अस्क नाजीन अपने हफ्ता प्रोग्राम पाकिस्तान फेज़ के साथ में राजा आतिफ जुल्फार और मेरे साथ सैद आपकी खिदमत में हाजिर हैं अब जो हफ्ता शुरू हो रहा है यानी कि परसों से हम कह सकते हैं क्योंकि कल है तो पीर का दिन लेकिन जोम मई की छुट्टी है तो परसों से ही हफ़्ता स्टार्ट और परसों जो पहला दिन है वो बड़ा हंगामा खेज होने की तो है पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट का आठ रुकनी बेंच जिसकी क्यादत चीफ जस्टिस उमर अताप बंदयाल कर रहे हैं वो जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो नया एक्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके हवाले से समात करेगा और उन्होंने दो मई तक उसके खिलाफ हुक्म अम्तनाई जारी कर दिया था उस वक़्त जब अभी वो नाफजमल नहीं हुआ था और अब उसका इक्कीस अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका और अब उसकी समात जो है वो पीर के दिन हो आ, मंगल के दिन होगी अब पूछते हैं आजाद सईद साहब से आजाद सैद साहब ये आठ रुकनी बेंच जो है वो समात शुरू करने जा रहा है और पहले ही इस आ, कानून को नाफज होने से पहले ही मुतल कर दिया गया था आपके ख्याल में जो परसों की समात होनी है आ, मंगल के दिन उसमें ये बेंच क्या इस सलूक करेगा इस एक्ट के हवाले से और क्या इस हवाले से तो बंदी जा सकती हैं। आते भाई बहुत बहुत शुक्रिया आते भाई जो सवाल आपने पूछा है की जजेज क्या क्या कर सकते हैं या क्या मुमकिन तौर पर कर सकते हैं तीन जजेज आ, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में किसी को पता है कुछ के क्या कर सकते हैं लेकिन हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितनी पोलराइज सिचुएशन है इस पोलराइज सिचुएशन में जजेस मेरे ख्याल में कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे रिस्ट्रेंट करेंगे जो मुजाकर हो रहे हैं आ, उसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करेंगे कि मुकर का नतीजा क्या निकलता है मेरा नहीं ख्याल का कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ी पेशरफ होगी मेरा ये ख्याल है मुजाकरात के हवाले से बात होगी अच्छा एजाज सैद जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि ये जो हफ्ता है ये हर हवाले से इम्पोर्टेंट है एक तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमत करेगी दूसरी तरफ जो सियासतदानों के दरमियान सियासी जमातों के साथ मुजाकर हो रहे थे उस मजाक में भी तात्थ और ये कहा गया था कि अब ये मुजात दो मई मंगल के रोज़ से होंगे ये इस सूरत हाल जो पहले हमें नज़र आ र थी वो तो कुछ हमें ऐसी नज़र आ रही थी कि डेड लाक हो जाएगा और डेड लाक की वजह से शायद ये मुजाक आगे ना चल पाएँ लेकिन इसके बावजूद हमने सुना कि जी मंगल को अब ये दोबारा अफरी बैठेंगे पी टी आई की तीन दुकनी टीम है जिसमें शाह महमूद कुरेशी हैं फवाद चौधरी हैं और बैरिस्टर अली जफर हैं जबकि दूसरी तरफ पी डी एम और उनके जो दीगर इतिहादी हुकरान इतहाद लोग इसमें मौजूद हैं साग इसमें मौजूद हैं सैद यूसफ़ा गलानी इसमें मौजूद हैं और बहुत सारे जो ख्वाजा साद रफीक इसमें मौजूद हैं आजमजी तार इसमें मौजूद हैं एम क्यूम की नुमाइंदगी है बाकी जमातों की भी इसमें नुमाइंदगी है तो ये मंगल के दिन आपके ख्याल में कुछ पेशरफ्त हो सकेगी क्योंकि उससे पहले लाहौर में जाके इन्होंने मिल के भी आना था इमरान खान साहब से राय भी लेनी थी तो क्या अब ये आपको मुक्कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मंगल के दिन कोई पेशर रफ्त हम समझते हैं कि होगी आप समझते हैं या नहीं और क्या दोबारा इसमें डेढ़ लाख तो नहीं आ जाएगा साहब दोनों जो फ्री कैन हैं, हैं उन्होंने बड़ी टाइट किस्म की पोजीशन ले रखी है एक फ्रीक यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि सितंबर में इलेक्शन हो जाए दूसरा फ्रीक कहता है कि हुकूमत आज ही बरतरफ हो जाए असम्बलियाँ फौरी तौर पर बर्खास्त कर दी जाएँ एक फ्रीक का ख्याल है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के बिल्कुल आखिर पे बिल्कुल नज़दीक जब रिटायरमेंट हो उस वक्त इंतखब हों जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती है कि फौरी तौर पर सबनियाँ तोड़ दी जाएँ और इलेक्शन बेशक चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद हों एक या दो दिन के बाद हों लेकिन प्रोसेस जो है अभी शुरू हो जाए तो ये मेरे ख्याल में दो बड़ी अहम बातें हैं जो और दोनों बड़ा टाइट सिचुएशन है आप कुछ नहीं कह सकते मुझे फिफ्टी फिफ्टी लगता है मुझे लगता है कि ये जो मुकर हैं इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते ये इसके नाकाम होने के ज़्यादा चांसेस हैं कामयाब होने के भी चांसेस हैं लेकिन कम है अच्छा एक तरफ तो हमें ये मुजाक्रत दिखाई दे रहे हैं जो कि सियासतदान आपस में कर रहे हैं जैसा हमने कहा कि ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है मंगली के रोज़ मुजाकर भी होने लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि चौधरी परवेज़िला एक घर छापा पड़ा जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि जी ये शायद हम मुजाकर आगे नहीं होंगे लेकिन पाकिस्तान तरीकान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि नहीं जी मुजात का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा खुद मुस्लिम लीग नून के राना स्नौला ने भी कहा कि जी ऐसी सूरत हाल में छापे नहीं पड़ने चाहिए थे और निगरान हुकूमत का हुक्मरान से तो कोई तल्लु नहीं है टेक्निकली उनकी बात ठीक है लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान साहब ने यह अंदे दिया है कि जनाब वो इस इन कार्रवाई के ख़िलाफ़ चूंकि चौधरी परवेज अली पाकिस्तान इंसाफ के सदर हैं वो तहरीक चलाएँगे और लोगों को सड़कों पर लाएंगे और मंगल से ही यह तहरीक शुरू की जाएगी आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इंसाफ की इस वक्त कैपेसिटी है कोई तहरीक चलाने की क्योंकि माजी में हमने देखा कि मुसलसल जलसे करके लॉन्ग मार्चेस करके जेल भरो तरीक़ें करके ये सारा कुछ वो देख चुके हैं और मुझे तो लगता है वैसे ये पाकिस्तान तारीख के कारकुनान काफ़ी थके हुए हैं तो क्या पाकिस्तान तारीख हाल में कोई तारीख चला सकती है और क्या इमरान खान तारीख चलाने की कैपेसिटी भी रखते हैं या नहीं रखते देखें आतेफ भाई अगर आप इमरान खान साहब की कैपेसिटी की जानना चाहते हैं तो बिल्कुल उनकी कैपेसिटी है आ, लेकिन आप सिचुएशन जानना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में अभी उतना मौसर उनका एहतजाज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खुद उनके लिए सिक्योरिटी की एक बड़ी सीर सिचुएशन पैदा हो चुकी है आप देखिए वो मूव नहीं कर सकते अगर मूव करें तो उनके गिरद पर्दे का एक हिसार होता है आहनी पर्दे का एक ऐसा हिसार होता है तो मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल सिचुएशन में इमरान खान हैं एहत के हवाले से अच्छा शाह जी एक सूरत हाल और बड़ी दिलचस्प है और दिलचस्प और यह दिलचस्प सूरत हाल इस हवाले से है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने इसम्बलियाँ तोड़ी और फिर वो दोनों सूबों के बजाय सिर्फ पंजाब के हवाले से सारा शोर मचा सुप्रीम कोर्ट भी सारा जोर पंजाब पर दिया पंजाब ही केवाले से बजट मांगा गया पैसे मांगे गए नहीं मिले इलेक्शन कमीशन को रिपोर्टें जमाईं कभी सेकट्री दिफा तलब हुए कभी सेक्टरी खजाना तलब हुए कभी गवर्नर स्टेट बैंक तलब हुए लेकिन पैसे नहीं मिले और जो इलेक्शन है वो ना सिर्फ ये कि नबे रोज़ के अंदर नहीं हो सके बल्कि चौदह मई जो कि ऑलरेडी नबे रोज़ काफ़ी दिन आगे निकल जाते थे उस पर भी एलेक्शन हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग और बिलखसूस एतज़ाजहसन वगैरह जो कि उनकी पार्टी के नहीं है लेकिन अंदर से उन्हीं की पार्टी के हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं। चौदह तारीख को ये इलेक्शन होंगे और चौदह तारीख को हर सूरत में इलेक्शन कराने पड़ेंगे वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन एन उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल बदल गई जब के पी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर साहिबान ने रिट फाइल कर दी अपनी इसेम्बलियों की बहाली के लिए एक तो एक बहुत बड़ा यू टर्न था कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए दूसरी तरफ आप अपनी इसम्बली की बहाली मांग रहे हैं और पाकिस्तान तरीक़न साहब के सदर चौधरी परवेजलाई से एक सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि ये जो पटिशन फाइल हुई है ये बाकायदा इमरान खान साहब की मंजूरी से हुई है उनकी मर्जी के बगैर नहीं हुई है तो क्या एक तरफ वो अपनी इसम्बली की बहाली मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन चाहिए तो ये क्या सूरत बनती नजर आ रही है देखें बात यह है कि इस वक्त जो विन विन सिचुएशन है वो यही है कि इसम्बलियाँ के पी की और पंजाब की इस, पंजाब की असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ लेकिन आइनी गुंजाइश निकालना पड़ेगी अदालतों को इसमें भी कह, कहते हैं ना कि अदालतों को ही नज़रिया जरूरत निकालना पड़ेगा क्योंकि कानूनी और आइनी एतबार से इसम्बलियाँ टूट चुकी हैं लेकिन विन विन सिचुएशन अगर है तो वो यही है कि इसम्बलियाँ बहाल हो जाएँ और ये इसम्बलियाँ अपनी आइनी मददत पूरी करें पंजाब में जो पी टी आई की गवर्नमेंट हो के पी के में पी टी आई की गवर्नमेंट हो औरबली आईनी मदद करें पूरी करें और एक ही दिन इंतबात हों तो फिर ये मामला उसी तरफ चला जाता है जो 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 हम बात कर रहे हैं लेकिन इसके लिए गुंजाइश जो है आइन में नहीं है अदालत को निकालना पड़ेगी और आ, मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं इस पर बदनामी ज़्यादा अदालत की होगी जी नाजी इस सूरत हाल ऐसी है कि लगता है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से जो तो थी वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब अम्बली के इलेक्शन के हवाले से जो अपनी आखिरी सामात थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम मुनासिब हुम जारी करेंगे और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जी हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे अगर सा अपने तौर पर मुक्कर करके किसी नतीजे पहुँचे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है लेकिन उन पर तनकीद भी बहुत सारी हुई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का, का काम पंचायत करना तो नहीं है वो तो जो कानून के मुताबिक है उसके मुताबिक हुक्म दे लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वह नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी समात में इस वाले से कोई सख्त फैसला जारी नहीं किया जिसकी बड़ी तोको थी पाकिस्तान तरीके इसाफ़ की क्यादत को और जिस वक्त वो को पूरी नहीं हुई तो हमने देखा कि जब वो बाहर निकले सुप्रीम कोर्ट से समात के बाद तो शेख रशीद अहमद साहब वाचू साहब काफ़ी परेशान दिखाई दिए कि उनको उनकी तो थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा सख्त ऑर्डर कर दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आ, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया और फिर साथ ही अब ये जो इसम्बली की बहाली के लिए रेड पटिशन फाइल हो गई हैं उससे यह अंदाजा होता है कि इमरान खान साहब कुछ शायद सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच से मायूस हो चुके हैं वो मायूस हुए हैं या नहीं हुए हैं ये अलग बात है लेकिन ये जो हफ़्ता अब शुरू हो रहा है यानी कि मंगल से प्रैक्टिकली शुरू होगा क्योंकि उससे पहले जमे मई की, तो सरकारी छुट्टी आ रही है में मजदूर है जी पाकिस्तान पूरे में तो बल्कि पूरी दुनिया भर में तो यहाँ पर वैसे में मजदूर पर हम देखते हैं कि मजदूर बेचारा सुबह दिहाड़ के इंतजार में उतरी बैठा हुआ है लेकिन बहरहाल अब ये, आला कि ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है मंगल से शुरू हो रहा है यह मंगल वाला हफ्ता जो है यह बहुत सारी अहम जो है खबरें लेकर आएगा बहुत सारी अहम तब्दीलियां लेकर आएगा और जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान के आइनी मामला के ऊपर बहुत दुरस्त नतज मरतब करता हुआ दिखाई देगा मुझे और एजाज सैद को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़